बिहार की हालत देख लीजिए, बुजुर्गों को महिलाओं को आज भी दिल्ली जाना पड़ता है, क्यों आज भी हमारे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के, दूसरे राज्यों में चले जाइए, लोग हंसते हैं, हम लोगों को बोलते हैं अच्छा उसी राज्य से ना जहां लोग हवा नहीं खींचा था, जहां भाई अगर आप अपराधी की गोली से नहीं मिलेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रशासन तैयार रहता है आप लोगों को गोली से। लोजपा राम विलास के सुप्रीमो चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के साथ पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में अति पिछड़ा जाति का मिशन 2024-25 समारोह की शुरुआत हुई। इस मौके पर चिराग पासवान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, कहा कि जातियों को एक दूसरे से लड़ने का काम नीतीश कुमार करते हैं लेकिन उनकी जमात की बात नहीं करते। महागठबंधन सरकार के 33 वर्षों के कार्यकाल के बावजूद बिहारी पलायन करने पर मजबूर हैं। 33 साल कम नहीं होता, जैसे आप लोग एक तिहाई आबादी है, 33 साल एक आम मनुष्य के जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा, अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा इस गठबंधन पर हम लोग भरोसा करते हैं, जिनको बार बार चुनकर हम लोगों ने भेजा, जो लोग बैठे हैं राजद के लोग हो, जनता दल यूनाइटेड के लोग हो, यही लोग सत्ता में रहे, कांग्रेस यही लोग सत्ता में रहे, 90 के दशक से निरंतरता में इन लोग की सरकार है और आज बिहार के हालात देख लीजिए, बुजुर्गों को महिलाओं को आज भी दिल्ली जाना पड़ता है, एक के सामने हम लोग दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने, क्यों हमें ये सुख सुविधा हमारे प्रदेश में नहीं मिलती, क्यों आज भी हमारे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के, दूसरे राज्य जाते हैं शिक्षा तालीम हासिल करने के, क्यों ये सुख सुविधा बिहार में नहीं मिलती। भैया जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों नई दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और एक तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, मजाक बना के रख दिया है बिहार, दूसरे राज्यों में चले जाइए, लोग हंसते हैं, हम लोगों को बोलते हैं अच्छा उसी राज्य से ना जहां लोग हवा नहीं खींचा था, जहां बाल चूहे के लग जाते, देश बना के रखी है हमारे प्रदेश, और ऊपर अपराध आए दिन बिहार में हो रही है, लूटपाट डकैती, हमारी बच्चों को छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म करके उनके शत्रु नली नाले में फेंक दिया, महिलाओं के समाज की बात हो, बुजुर्गों के समाज की बात हो, आज ऐसी छोटी प्रदेश बना दी है कि कोई व्यक्ति दिन में घर से निकलता है तो शाम को जीवित घर लौटेगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं, और अब तो प्रशासन के लगाव हो गए, भाई अगर आप अपराधी की गोली से नहीं मिलेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रशासन तैयार रहता है आप लोगों को गोली से भेज देता है। कटिहार जैसी घटना शर्मसार करती है हमारे प्रदेश में, जिनको हम लोगों ने अपना रक्षक माना आज वही हम लोगों ने गोली चला रहा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी बिहारियों पर गोली चलती है खामोश रहते, और इन्होंने समाधान यात्रा पर ये निकले थे, हर समस्या का समाधान मुख्यमंत्री जी की डिक्शनरी में सिर्फ लाठी और गोली से ही, सड़क पर हमारे छात्र उतरते हैं तो लाठी, शिक्षक उतरते हैं तो लाठी, अभियान उतरते हैं तो लाठी, अगर किसान सलाहकार उतरते हैं तो लाठी, समाज का कोई वर्ग सड़क पर उतरे उस पर लाठी चलाने का। चिराग पासवान ने आगे बताया कि 2025 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करेगी, लेकिन 2025 में सरकार का हिस्सा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारों के साथ हम लोग बनेंगे ये बात तय है। आपको बता दें कि अति पिछड़ा जाति से आने वाले कई जाति के लोग इस समारोह में शामिल हुए। मिशन 2024-2025 अति पिछड़ा जातियों का हुआ, कहा जाता है कि इनकी संख्या एक तिहाई है, अगर राजनीति में इनका सपोर्ट जिस पार्टी को मिलता है उस पार्टी की सरकार बन जाती है। कहा यह भी जाता है कि एक समय था कि अति पिछड़ा
जो भी जाति इसमें आते हैं, एक समय लालू यादव के तरफ से इनका समर्थन हट गया था तो लालू यादव की भी सरकार गिर गई थी। हालांकि चिराग पासवान आज इस सम्मेलन में संबोधित किया और उन्होंने ख़ास तौर पे अति पिछड़े वर्ग से आए हुए जातियों को कहा है कि आप लोग एकजुट हो जाइए। आज पूर्वजों से लेकर अब तक इस जाति में जो भी जातियाँ आती हैं वह संघर्ष कर ही रहे हैं। जिस तरह से पहले उनके पूर्वज रहते थे, आज भी उनकी ऐसी स्थिति है, उनको राजनीति में भी कोई हिस्सा नहीं मिल पाता है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि चिराग पासवान को अति पिछड़े वर्ग के कितने समर्थन मिलते हैं और 2024 लोकसभा का चुनाव, 2025 विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान अपनी पार्टी को लेकर चुनाव लड़ते हैं और इनकी कितने सीटें आती है यह तो वक्त बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।